बच्चों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे। इस वर्ष में प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे और स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, प्लस टू क्लास की पॉलिटिकल साइंस का जो आपका कोर्स था वो कंप्लीट हो चुका है। सारे के सारे लेसन आपके करा दिए गए हैं। आशा करता हूँ कि सभी बच्चों ने ये वर्क अपने केयर नोट रूप में किया होगा, और जिन बच्चों ने नहीं किया है उन बच्चों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले। और डेली जो आपका होमवर्क चेक करने के लिए आपको कहा जा रहा है, जो भी वर्क आप कर रहे हो उस वर्क को हमारे पास अवश्य सेंड करें, उसको अवश्य भेजें। आज से मैं आपका दोबारा से रिविज़न वर्क शुरू कर रहा हूँ, और रिवीजन वर्क के अंदर जो क्वेश्चंस आपको सबसे पहले पढ़ाए जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। वन मार्क के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद टू मार्क्स के क्वेश्चन शुरू करेंगे। सबसे पहले दोनों बुक से हम वन मार्क्स के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, वन बाय वन लेसन, एक के बाद एक लेसन के क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट होंगे वो सभी क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं और उनको लिखकर वापस मेरे पास भेजने हैं, और ये अपनी फेयर नोटबुक में भी करने हैं। तो आज फर्स्ट बुक का जो आपका लेसन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आज हम शुरू करने जा रहे हैं, उस लेसन का नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व राजनीति। ये लेसन आपको पढ़ाया जा चुका है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आज मैं करा रहा हूँ, वो रिवीजन वर्क में है, उसको अपनी फेयर नोटबुक में करना भी है और मेरे पास उनको वापस भेजना भी है। तो जो पहला क्वेश्चन है, क्यूबा वाज एन अलाई ऑफ विच कंट्री। क्यूबा के बारे में पूछा गया है कि क्यूबा कौन से देश के साथ जुड़ाव था, मतलब क्यूबा का कौन से देश के साथ जुड़ाव था, किस देश के साथ वो लगा हुआ था, उसका जुड़ा उसका संबंध किस देश से था। तो वो देश है सोवियत यूनियन, सोवियत संघ के साथ उसका जुड़ाव था। दूसरा जो क्वेश्चन है, फिदेल कास्ट्रो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। फिदेल कास्ट्रो कौन से देश का प्रेसिडेंट था, मतलब फिदेल कास्ट्रो के बारे में पूछा गया है कि कौन से देश का वो राष्ट्रपति था, तो वो देश है क्यूबा। तीसरा क्वेश्चन, निकिता ख्रुश्चेव वाज द लीडर ऑफ विच कंट्री। निकिता ख्रुश्चेव के बारे में आपने बताना है कि निकिता ख्रुश्चेव कौन से देश की नेता थे, निकिता ख्रुश्चेव कौन से देश के नेता थे, तो वो है सोवियत यूनियन। उसका आंसर क्या है, सोवियत यूनियन से के नेता थे ये निकिता ख्रुश्चेव। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर क्यूबा मिसाइल क्राइसिस टुक प्लेस। आपको ये बताना है कौन से वर्ष में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, ये सन के बारे में बताना है, उस सन के बारे में बताना है जहां क्यूबा मिसाइल संकट की समस्या पैदा हुई थी, और वो ईयर है 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री डिड कोल्ड वॉर कंटिन्यू। अब देखिए कौन कौन से देशों के बीच में शीत युद्ध शुरू था, किन किन देशों के बीच में शीत युद्ध हुआ, तो वो दो देश थे, एक सोवियत यूनियन और एंड अमेरिका। सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में ये कोल्ड वॉर शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर सेकंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, कौन से वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, तो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो शुरू हुआ था 1939 में, और लेकिन उसका एंड हुआ था 1945 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, द एक्सिस पावर अलाइड या लीड बाय, द एक्सिस पावर लीड बाय, एक्सिस पावर जो कि धुरी शक्तियां थी उनको लीड कौन कौन से देश कर रहे थे, तो वो है जर्मनी इटली एंड जापान। तो एक्सिस पावर को लीड कर रहे थे जर्मनी इटली एंड जापान। इसी तरह जो अलाइज पावर थी उसको अमेरिका ब्रिटेन रूस, वो मित्र राष्ट्र थे, उनको लीड कर रहे थे, जबकि एक्सिस पावर को जर्मनी इटली एंड जापान लीड कर रहे थे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर विच कंट्रीज अमर्ज अ सुपर पावर। आपको ये बताना है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वे कौन से देश थे जो महाशक्ति के रूप में उभरे, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद
कौन से देश थे जो महाशक्ति के रूप में उभरे, तो वो था पहला अमेरिका और दूसरा सोवियत यूनियन। अमेरिका और सोवियत यूनियन एमर्ज एज ए सुपर पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीजन फॉर कोल्ड वॉर, शीत युद्ध का कारण क्या था, शीत युद्ध किन कारणों से हुआ, तो शीत युद्ध का जो महत्वपूर्ण जो कारण था एमर्जेंस ऑफ द यूएस एंड द यूएसएसआर, यूएस और यूएसएसआर का एक का एमर्जेंस होना किसके रूप में, एज टू सुपर पावर, दो महाशक्तियों के रूप में यूएस और यूएसएसआर का एमर्जेंस होना, एंड रिवाइल टू ईच अदर, और दोनों ही आपस में होल्ड कर रहे थे कि अमेरिका कहता है कि मैं सुपर पावर और रूस कहता है कि मैं सुपर पावर, और आपस में होल्ड मचे थी कि कौन किससे सुपर है, कौन किससे ज्यादा शक्तिशाली, ये होल्ड मचे हुई थी। तो कोल्ड वॉर का मेन कारण था कि अमेरिका भी चाहता था कि वो सुपर पावर बने और रूस भी चाहता था कि वर्ल्ड में वो सुपर पावर बने, तो इन दोनों महाशक्तियों के अंदर होड मची हुई थी इसी कारण से, सुपर पावर बनने के लिए इसी कारण से कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। इन 1945 द अलाइड फोर्सेस लीड बाय, आपको पता है जो मित्र राष्ट्र है उनका नेतृत्व तो कौन से देश कर रहे थे 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो इसमें यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये अलाइड पावर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, आपको ये बताना है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी एटलांटिक संधि संगठन जिसको हम नाटो कहते हैं, जो कि अमेरिका का एक सैन्य संगठन था, वो अस्तित्व में कब आया, वो आया अप्रैल 1949 के अंदर, अप्रैल 1949 में नाटो अस्तित्व में आया था, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उसके टक्कर के अंदर रूस ने कौन सा सैन्य संगठन बनाया, उसका नाम था वारसा। तो वही क्वेश्चन आगे, इन विच ईयर वारसा पैक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, अब आपको बताना जो वारसा पैक्ट है वो अस्तित्व में कब आया, वो आया था 1955 के अंदर आया। अगला जो क्वेश्चन है वो है, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैव बीन गिवन एन ऑप्शन टू स्टे अवे फ्रॉम एनी ऑफ द अलायंस, जो नव स्वतंत्र देश थे उनको एक ऑप्शन दिया गया था कि वो किसी भी अलायंस से दूर रहे, वो जो ऑप्शन दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, कौन सा ऐसा संगठन था, कौन सा ऐसा आंदोलन था, या कौन सी ऐसा एक समूह था जिसने ये ऑप्शन दिया नव स्वतंत्र देशों को, वो न तो अमेरिका के गुट में शामिल हो और न ही सोवियत संघ के गुट में शामिल हो। तो ये नव स्वतंत्र देशों को जो ये ऑप्शन दिया था, विकल्प दिया था, वो दिया था नॉन अलाइन मूवमेंट ने, गुट निरपेक्ष आंदोलन ने दिया था ये ऑप्शन, कि जो नव स्वतंत्र देश है उनको ये ऑप्शन दिया गया कि न तो वो अमेरिका के गुट में शामिल हो और न वो सोवियत संघ के गुट में शामिल हो। तो ये जो ऑप्शन दिया था वो नॉन अलाइन मूवमेंट में, गुट निरपेक्ष आंदोलन ने ये उनको विकल्प दिया कि वो किसी भी गुट से दूर रहे। अगला क्वेश्चन है, हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मीडिएटर बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, वो कौन सा लीडर था जिसने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो विवाद था उसमें मीडिएटर का काम किया, वो थे हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रूट्स ऑफ नेम नॉम नॉन अलाइन मूवमेंट, देखिए उन पांच व्यक्तियों के नाम जिन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, टीटो, नासिर एंड क्रूमा। ठीक है, ये चार पांच व्यक्ति थे जिसने नॉन अलाइंस जो मूवमेंट था उनके संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। मुख्य तो तीन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, टीटो और नासिर, ये तीन व्यक्ति थे जो मुख्य फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर है, उसमें आप देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया है, इन 1949 द नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज इन नाटो वर, 1949 अप्रैल 1949 के अंदर नाटो की स्थापना हुई थी, लेकिन उस समय नाटो में कुल कितने सदस्य देश थे, तो नाटो के अंदर जब इसकी स्थापना हुई तो उसमें कुल सदस्य देश 12 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टेबल बैलेंस ऑफ वेपन कुड बी मेंटेन थ्रू, देखिए एक
स्थिर हथियारों की जो होड़ है उसको कैसे रोका जा सकता है? वो केवल एक ही तरीका है, आर्म कंट्रोल, जो हथियार है उन पर नियंत्रण किया जाए। तो ये मेंटेन किया जा सकता है, बैलेंस ऑफ वेपन्स, हथियारों का संतुलन किस तरह से बैलेंस किया जाता है, हथियारों पर रोक किस तरह लगा सकती है, जब आर्म्स कंट्रोल हो, हथियारों पर कंट्रोल होना शुरू हो जाए, कोई भी देश जो विध्वंसकारी हथियार है वो नए बनाए उन पर कंट्रोल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश, लीडर्स आर नोन एज द फाउंडर ऑफ नॉट नेम नॉन अलायंस मूवमेंट, के कितने लीडर्स थे जिन्होंने नॉन अलायंस मूवमेंट के संस्थापक के रूप में जान जाते हैं? तो फाइव थे। फाइव लीडर्स आर नोन एज फाउंडर ऑफ नॉन अलायंस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश अमेरिका वार ऑफ इंडिपेंडेंस टू प्लेस, अमेरिका के अंदर स्वतंत्रता के लिए जो संग्राम था, जो अमेरिकी युद्ध स्वतंत्रता के लिए शुरू हुआ, वो कब शुरू हुआ? वो हुआ था 1787 में, 1787 के अंदर अमेरिका के अंदर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ था 1787 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डैश इज पॉलिसी ऑफ नॉन अलायंस मूवमेंट, नॉन अलायंस मूवमेंट की नीति क्या है? नॉन अलायंस मूवमेंट बनाया गया था केवल प्रिवेंट वार, युद्ध को रोकने के लिए। विश्व के अंदर जो कोल्ड वार की स्थिति चल रही थी, जिसमें दोनों महाशक्तियां आपस में एक दूसरे से होल्ड कर रही थी, विध्वंसकारी हथियार बना रही थी, ऐसी संभावना थी कि उन दोनों के बीच में युद्ध होगा, तो युद्ध को रोकने के लिए नॉन अलायंस मूवमेंट ने अपनी पॉलिसी बनाई थी कि वो अपना आर्थिक विकास भी करेंगे और दोनों ही गुटों से वो दूर रहेंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों महाशक्तियों के बीच में कभी युद्ध न हो। तो उसकी नॉन अलायंस मूवमेंट, उसकी पॉलिसी रही है युद्धों को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। अब आपने ये बताना है कि चार ऑप्शन आपके पास इस तरह इधर दिए गए हैं, चार ऑप्शन इस तरफ दिए गए हैं, तो आपको मैच करना है कि ये कौन सा कब हुआ था। जैसे पहला न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि कब हुई, नॉन अलाइंड समिट बेलग्रेड के अंदर जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था वो कब हुआ, न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक ऑन जापान, जापान पर परमाणु बम से हमला कब हुआ, एंड अंकटाड कॉन्फ्रेंस, अंकटाड सम्मेलन कब हुआ। तो ये ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इससे आपने मैच करना है। तो न्यूक्लियर नॉन ये जो प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, परमाणु अप्रसार जो संधि है, वो कब हुई थी? ये हुई थी 1970। कब हुई थी ये? 1970। नॉन अलाइंड समिट बेलग्रेड, बेलग्रेड के अंदर हुआ था 1961 के अंदर। जो नॉन अलाइंड समिट है, गुटनिरपेक्ष जो सम्मेलन है, जो बेलग्रेड में हुआ था, वो सबसे पहले 1961 के अंदर हुआ था। इसी तरह न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक ऑन जापान, जापान पर परमाणु बम से हमला कब हुआ है? 1945 के अंदर। और अंकटाड कॉन्फ्रेंस, अंकटाड जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1972 में। तो इनके जो ऑप्शन होंगे, एक का जो ऑप्शन है वो है सेकंड, बी का जो आंसर है नॉन अलाइंड समिट वो हुआ था थर्ड, और सी में जो क्वेश्चन है न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक ऑन जापान फर्स्ट, और डी का ऑप्शन होगा अंकटाड सम्मेलन हुआ है फोर्थ 1972 में। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आपने फेयर नोटबुक में करने हैं, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से रिवाइज करें और इन्हीं को लर्न करना है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सभी बच्चों को अपनी फेयर नोटबुक में अच्छी तरह से करना है और लिख कर मेरे पास वापिस सेंड अवश्य करें। थैंक यू।